हेलो स्टूडेंट, आइए पढ़ते हैं। हम क्लास 7 से हमारी संस्कृत पाठ्य पुस्तक रुचिरा से पंचमा पाठ, पांचवा अध्याय यानी लेसन 5, जिसका नाम है पंडिता रमाबाई। इसमें पंडित रमाबाई के बारे में उनके जीवन पर आधारित कार्यों को संस्कृत में विस्तार रूप से बताया गया है। तो आइए शुरू करते हैं। स्त्री शिक्षा क्षेत्र अग्रगण्य पंडिता रमाबाई 1885 तमे ख्रिस्ताब्द ते जन्म अलभत। स्त्री शिक्षा के क्षेत्र में सबसे आगे रहने वाली पंडिता रमाबाई का जन्म 1858 ईस्वी में के लगभग हुआ था। तस्या पिता अनंत शास्त्री डोंगरे, माता च लक्ष्मीबाई आस्ताम। इनके पिता का नाम अनंत शास्त्री डोंगरे था तथा इनकी माता का नाम लक्ष्मीबाई था। तस्मिन काले स्त्री शिक्षा स्थित चिंतनीय आसीत। उस समय स्त्रियों की शिक्षा बहुत ही चिंतनीय विषय थी। स्त्रीणाम कृते संस्कृत शिक्षण प्राय प्रचलितम नासीत। उस समय स्त्रियों के लिए संस्कृत शिक्षा का प्रचलन बिल्कुल भी नहीं था। किंतु डोंगरे रूढ़िबद्धा धारणाम परित्यज्य स्वपत्नी संस्कृतम अध्यापयत। किंतु इनके पिता डोंगरे जी ने इस रूढ़िवादिता को तोड़ते हुए, उसका त्याग करते हुए अपनी पत्नी को संस्कृत की शिक्षा का अध्ययन कराया। एतदर्थ स समाजस्य प्रताड़नानाम अपि असह्यत। इस कारण से इन्हें समाज की ताड़ना अर्थात उलाहना भी सहन करना पड़ा। अंततर रमा अपि स्वमातु संस्कृत शिक्षा प्राप्तवती। अतः इन्हें अपनी माता से संस्कृत की शिक्षा प्राप्त हुई। कालक्रमेण रमाया पिता विपन्न सज्जात। काल यानी समय का चक्र ऐसा घुमा कि इनके पिता जो है वो निर्धन हो गए। तस्या पितरौ ज्येष्ठा भगिनी च दुर्भिक्षिता दिवंगता। इनके ज्येष्ठ भ्राता और इनकी बहन अकाल से पीड़ित होने के कारण दिवंगता मृत्यु को प्राप्त हो गए। तदंतर रमा स्वज्येष्ठ भ्राता स पदभ्याम समग्र भारतम अपभ्रत। तदंतर इसके बाद यह स्वयं के ज्येष्ठ भ्राता यानी बड़े भाई के साथ पदयात्रा के द्वारा ही भारत भ्रमण पर निकल पड़े। भ्रमण काले सा कोलकाता प्राप्त। भ्रमण करते हुए यह कोलकाता पहुंची अर्थात कलकत्ता पहुंच गए। संस्कृत वैदुष्यणाम सा तत्र पंडिता सरस्वती चेति उपाध्या विभूषिता। संस्कृत की विदुषी अर्थात विद्वती होने के कारण इन्हें पंडिता और सरस्वती के नाम की उपाधि से विभूषित किया गया। तत्रैव सा ब्रह्म समाजेन प्रभाविता वेदाध्ययनम अकरोत। अतः वह ब्रह्म समाज से प्रभावित होकर, ब्राह्मणों के समाज से प्रभावित होकर वेदों का अध्ययन किया। पश्चात सा स्त्रीणाम कृते वेदादिनाम शास्त्राणाम शिक्षाय आंदोलनम प्रारब्धवती। इसके पश्चात वह स्त्रियों की शिक्षा जो विचाराधीन थी उसके लिए इन्होंने आंदोलन चलाया। 1880 तमे ख्रिस्ताब्द ते सा विपिन बिहारी दासेन सह बाकीपुरम न्यायालये विवाहम अकरोत। 1880 के सन में इन्होंने विपिन बिहारी दास के साथ बाकीपुर के न्यायालय में विवाह कर लिया। सार्धक वर्षात तदंतरम तस्या पति दिवंगतः। डेढ़ वर्ष के अंतराल में ही इनके पति की मृत्यु हो गई। तदंतरम सा पुत्र्या मनोरमया सह जन्मभूमि
महाराष्ट्रम प्रत्यागच्छत्। उसके बाद यह अपनी पुत्री मनोरमा के साथ अपनी जन्मभूमि लौट आई, अपनी जन्मभूमि महाराष्ट्र पर में लौट आई। नारीणाम सम्मानाय शिक्षाय च साम स्वकीयम जीवनम अर्पितवती। नारियों के यानी स्त्रियों के सम्मान और शिक्षा के लिए इन्होंने अपना सारा जीवन अर्पित कर दिया। हंटर शिक्षा आयोगस्य समक्षम नारी शिक्षा विषये सा स्वमतम प्रस्तुतवती। हंटर शिक्षा आयोग के सामने स्त्री शिक्षा के विषय में इन्होंने अपने स्वयं के मत को रखा। सा उच्च शिक्षार्थम इंग्लैंड देशे गतवती और वह ऊंची शिक्षा प्राप्त करने के लिए इंग्लैंड चली गईं। तत्र ईसाई धर्मस्य स्त्री विषयक उच्चतम विचारे प्रभाविता जाता। ईसाई वहां पर ईसाई धर्म की स्त्री शिक्षा के विषय में ऊंचे विचारों को देख करके अत्यधिक प्रभावित हुई। आगे इंग्लैंड देशात रमाबाई अमेरिका देशात अगच्छत। इंग्लैंड देश से रमाबाई अमेरिका को चले गई। तत्र सा भारतस्य विधवा स्त्रीणाम सहायतार्थम अर्थसंचयम अकरोत। वहाँ पर यह भारत के विधवा महिलाओं की सहायता हेतु धन अर्जित करने लगी। भारतम प्रत्यागत मुंबई नगरे सा शारदाम सदनम स्थापयत। भारत आने के बाद मुंबई नगर में इन्होंने शारदा सदन के नाम से एक आश्रम की स्थापना की। अस्मिन आश्रमे निसहाया स्त्रिय निवसन्ति स्म। इस आश्रम में जो निसहाय स्त्रियां होती थी वह निवास करती थी, अर्थात जिनका कोई आसरा नहीं होता था। तत्र स्त्रियों मुद्रण टंकण काष्ठ कालिदा किश्चनाश्च प्रशिक्षणमपि लभन्ते स्म। वहाँ पर छपाई का और टकाई का यानी तागे की कढ़ाई का और लकड़ी के कामों का प्रशिक्षण वहाँ की महिलाओं को दिया जाता था, वो उसका लाभ लेती थी। परम इदम सदनम पुणे नगरे स्थानांतरम जातम। परंतु यह सदन यानी जो यह आश्रम था वह पुणे नगर में स्थानांतरित कर दिया गया। तथा पुणे नगरस्य समीपे केड़गाम स्थाने मुक्ति मिशनम नाम संस्थानम तया स्थापितम। अर्थात पुणे नगर के समीप ही केड़गाम स्थान पर मुक्ति मिशन नाम से एक संस्थान की स्थापना की गई। अत्र अधुनाम अपि निराश्रिता स्त्रिय ससम्मान जीवनम यापयन्ति। अर्थात उसके बाद इस संस्था में इस स्थान पर उस समय की जितनी भी निराश्रित जिनका कोई आसरा नहीं होता था ऐसी स्त्रियां सम्मान के साथ अपने जीवन को व्यतीत करने लगी। 1922 में ख्रिस्ताब्द ते रमाबाई महोदया निधनम अभवत। 1922 ईस्वी में रमाबाई का निधन हो गया, अर्थात यह मृत्यु को प्राप्त हो गई। सा देश विदेशानाम अनेकासु भाषासु निपुणा आसी। वह देश और विदेश की अनेक भाषाओं में निपुण थी, अर्थात अनेक भाषाओं की जानकार थी। समाज सेवा या अतिरिक्तम लेखन क्षेत्रे अपि तस्या महत्वपूर्ण अवदानम अस्ति। समाज सेवा के अतिरिक्त लेखन के क्षेत्र में भी इनका महत्वपूर्ण योगदान रहा। स्त्री धर्म नीति हाई कास्ट हिंदू विमेन इति तस्या प्रसिद्धम रचनाद्वय वर्तते। स्त्री धर्म नीति और हाई कास्ट हिंदू विमेन ये इनकी दो महत्वपूर्ण रचनाएं हैं। आइए शब्दार्थ देख लेते हैं हम। परित्यज्य अर्थात छोड़कर, अध्यायपद पढ़ाया, प्रतारणाम ताड़ना या दुखी करना या दंडित करना, असहयत सहन किया। आगे देखते हैं। स्वमातु अपनी माता से, विपन्न निर्धन दुर्भिक्ष पीड़िता अकाल पीड़ित,
दिवंगता मृत्यु को प्राप्त हो गए। उपाधिभ्याम उपाधियों से प्रारब्धवती आरंभ किया। सार्धैक वर्षात डेढ़ वर्ष, प्रत्यागच्छात लौट आई, इसका संधि विच्छेद होगा प्रति प्लस आगच्छत। अर्थ संजयम यानी धन का संचय यानी धन इकट्ठा करना, प्रत्यागत लौट कर, प्रत्यागत का संधि विच्छेद होगा प्रति प्लस आगत्य। मुद्रण यानी छपाई का काम, टंकण कढ़ाई का काम, निराश्रिता जो बेसहारा होती है स्त्रियां, निराश्रिता का संधि विच्छेद यहाँ पर होगा निर प्लस आश्रिता। यापयंती बिताते हैं या बिताती हैं। अवदानम योगदान। स्टूडेंट आशा है आपको ये लेसन समझ में भी आया होगा और ये शब्दार्थ आपको अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखनी है। धन्यवाद।